एक बात चल रही थी पुनर्स्थापना, जीवन का सबसे अनिवार्य पार्ट बेटा, और मैंने उसमें कहा था कि इंसान कोई भी काम को कर रहा है ना, तो बीच में उसको एनर्जी गेन करना जरूरी है। जैसे एक प्लेन यहां से यूएसए जाता है ना, यूएसए जाता है तो उसको डायरेक्ट यूएसए नहीं जा सकता, बहुत दूरी है, लाखों किलोमीटर दूर है, उसको बीच में कहीं उतारना पड़ता है, कभी वियतनाम कंट्री में उतरता है, मतलब पहले से फिक्स होता है कहां उतारना है, वियतनाम में उतारना है या फिर कोई और है ना, दूसरा जो बीच में यूरोपियन कंट्री आते हैं वहां उतारना है। एक बार उतार के फिर से उसमें फ्यूल भरते हैं, ईंधन भरते हैं, तब जाके वो अमेरिका पहुंचता है, यूएसए पहुंचता है। यूएसए पहुंचने के दो रास्ते हैं, आपको ध्यान है, मतलब अभी मुझे 15 दिन पहले पता लगा, सोच समझ ही नहीं पाया। जैसे इंडिया यहां पर है ना, जैसे मान लेते इंडिया यहां पर है तो अमेरिका किधर है मैप के अंदर, बताओ देखिए यूएसए किधर है। इसके लिए ए बोले, इसके लिए बी बोले, ए बी दोनों, ऐसे कैसे सोचते। आपके घर के पास में मंगला चाचा को मकान या तो इस साइड है या फिर इस साइड, दोनों में से एक साइड होता है। इसका सही जवाब है दोनों। आप इधर जाओगे तो भी अमेरिका आएगा, इधर जाओगे तो भी अमेरिका आएगा। इधर जाओगे ना, इधर बहुत लंबा रास्ता है, पूरा एशिया क्रॉस करना पड़ता है, और ये आपका जो है ना प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन उसको क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके अमेरिका आता है। इधर जाओगे ना इस साइड से तो सीधा ही है, केवल समुद्री समुद्र आएंगे बस, और सीधा आप यूएसए पहुंच जाओगे दोनों साइड से, क्योंकि धरती गोल है। गोल बेटा, जैसे एक बोल पड़ा हुआ है ना यहां, उस बोल में यहां से इधर आना, तो आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। तो आपको जान के बड़ी, मेरे को 15 दिन पहले पता लगा ये बात, क्योंकि एक बच्चा जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कभी पहले वो यू उसमें था अपने यूएई में, दुबई आते हैं ना शारजाह दुबई, वहां था वो, तो मैं उससे हंस रहा था, मैंने कहा भाई कभी यूएसए जाना पड़े तो किधर से, नहीं मैं खुद ही एक बार देखने लग गया ऐसे, मैंने कहा रूट रूट फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टू यूएसए, तो वो दो रूट दिखा रहा था, दो रूट आ रहे थे उसके अंदर, है ना। तो फिर मैं, मुझे लगा ये चीज मुझे अब तक समझ में क्यों नहीं आई, मैंने 10वीं क्लास तक सोशल साइंस पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, है ना, और अब पता लगा 20 दिन पहले कि दोनों साइड से जाया जा सकता है, लेकिन वो समुद्र से कम जाते हैं, क्योंकि वहां पर बीच में फ्यूल भरने के लिए कोई जगह नहीं आती। हालांकि समुद्र सेफ माने जाते हैं बेटा, सी के ऊपर से कोई हवाई जहाज निकलता तो सेफ जगह मानी जाती है। क्यों सेफ होता है समुद्र, क्यों सेफ है हवाई जहाज के लिए नहीं पता बेटा। कभी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़े, हवाई जहाज में खराबी आ गई, उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको समुद्र में उतार सकते हैं, डायरेक्ट समुद्र में उसको यूं गिरा सकते हैं समुद्र के अंदर, मरने की संभावना कम है। इसलिए सी रूट जो होते हैं ना बेटा, वो जहाजों के साथ साथ जो शिप चलते हैं उनके लिए तो है ही, वो तो जमीन पर चल ही नहीं सकते, लेकिन उनके लिए भी सेफ है जो ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं उसके ऊपर, समुद्र में उतार सकते हैं, मरेगा कोई भी नहीं, लाइफ जैकेट दे देते हैं, बहुत कम चांस है मरने के, मर भी सकता है कोई, तो डर से ही मर जाए भाई नीचे गिर रहा है तो वैसे ही मर जाता है, लेकिन संभावना कम रहती है। तो बीच में रुकना पड़ता है, लेकिन लंबा रूट हो तो उसको रुकना पड़ता है, बोले तो पुनर्स्थापना करना पड़ता है। एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा बेटा, बाज जानते हो, बाज, बाज नभ का राजा होता है बेटा, आकाश का राजा होता है बेटा, स्काई किंग होता है, जंगल का राजा शेर होता है, नभ का राजा बाज होता है। शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं, कोई नया बच्चा बताएगा, पुराने वालों को तो मैंने बता रखे, नया बच्चा न्यू स्टूडेंट, व्हाई वी कॉल इट द लॉयन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यस इधर बेटियों में से किसी ने कोई बताएगा, या धरती वीरों से खाली मान ली जाए, धरती वीरों से खाली होगी, चलो पुराने वालों में बताओ, हाँ यस, जंगल का राजा शेर इसलिए होता है क्योंकि वो किसी दूसरे का मारा हुआ भोजन नहीं लेता है, वो अपने दम पे जिंदगी जीता है बेटा। बाज नब का राजा, आसमान का राजा इसलिए होता है क्योंकि वो भी किसी का मारा हुआ भोजन नहीं लेता है, अपना शिकार खुद करता है।
तो राजा हम भी अपने जीवन के राजा तभी कहलाएंगे बेटा जब अपना शिकार खुद करेंगे। शिकार का मतलब हमने किसी को मार के खाना नहीं, अपने दम पे अपनी जिंदगी जिएंगे, अपना भोजन खुद कमाएंगे, अपना भोजन खुद बनाएंगे, अपना भोजन ना उसकी व्यवस्था खुद करेंगे तभी हम राजा कहलाएंगे। अदरवाइज तो लाचार भिखारी है ना, उन कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा। तो नब का राजा बाज होता है क्योंकि वो किसी और का मारा हुआ भोजन नहीं लेता है। उसकी जिंदगी 70 साल की होती है बेटा, उसका लाइफ 70 ईयर्स का है। बट वेन इट इज 35 ईयर्स ओल्ड, जब वो 35 साल का होता है बेटा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। 35 साल की उम्र में एक बाज की हालत खराब हो जाती है, उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, उड़ नहीं पाता है, उसकी चोंच कमजोर हो जाती है, शिकार को चीर नहीं पाती, उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, शिकार पे पकड़ नहीं कर पाते, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति में चला जाता हूं। अब उसके पास 3 रास्ते होते हैं, इट हैज 3 वेज, 3 रास्ते। या तो वो किसी और का मारा हुआ भोजन लेना चालू कर दे, लेकिन ये उसके कुल के लिए कलंक है क्योंकि उसकी 1000 पीढ़ी में किसी और का मारा हुआ फूड नहीं खाया किसी ने आज तक, तो ऐसा करके वो अपने कुल पे कलंक लगा सकता है। उसका रास्ता नंबर 2 है कि वो अपनी जिंदगी को त्याग दे, मींस सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। दुनिया का ये भी सबसे बेकार रास्ता है, इससे भी 1000 पीढ़ी पे, 7 पीढ़ी पे नहीं, लोग कहते हैं 7 पीढ़ी पे कलंक लगता है, उसकी 1000 पीढ़ी पे कलंक लगता है। 1000 generations डिस्ट्रॉय हो जाती है बेटा, आने वाली पीढ़ियां जी नहीं पाती है। जिस घर में ऐसा कोई करता है ना, उनकी आने वाली पीढ़ियां यूं चलती है। तो बाज के लिए भी ये सर्वनाश है कि ऐसा करे वो। और तीसरा रास्ता होता है जिसको कहा जाता है पुनर्स्थापना, दुनिया का सबसे भयंकर रास्ता, बहुत ही बुरा रास्ता, हर जगह पीड़ा, हर जगह कष्ट, हर जगह परेशानी, लेकिन वो पता है क्या चुनता है? पुनर्स्थापना। वो चला जाता है एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर, वहां जाके उस पहाड़ के ऊपर बैठ के सबसे पहले अपने पंखों को निकालता है अपनी चोंच से। सोचो आप, जैसे कोई आदमी अपने बाल निकाल रहा हो, अपने नाक को निकाल रहा हो, ऐसे अपने एक एक पंख को निकालता है। बहुत पीड़ा होती है बेटा, बहुत बुरा दर्द होता है अपने शरीर से अपने पंखों को निकालना। इमेजिन कीजिए कितना बुरा और कितना पीड़ादायक काम है, बट वो ऐसा करता है। उसके बाद में जब पंख निकलने के बाद में वहीं बैठा बैठा वेट करता है कि दूसरे पंख आ जाए, उसके बाद में अपनी चोंच को पहाड़ों पे मार मार के, दीवारों में उसमें पत्थर पे मार मार के चोंच को पूरी को खत्म कर लेता है, नष्ट कर लेता है, पूरा चेहरा लहूलुहान हो जाता है, बट वो ऐसा करता है। कितनी पीड़ा हो रही है सोचो, कोई आदमी अपने मुंह को दीवारों पे टक्कर मार मार के अपने मुंह को ही तोड़ ले और नया मुंह आ जाए उससे, फिर वही बैठा बैठा वेट करता है, दोबारा फिर से उसके चोंच आती है, फिर उसके बाद में अब बच गए कौन? पंजे। फिर पंजों को मार मार के दीवार उस पे पत्थर पे बेटा पंजे तोड़ता है और वही बैठा रहता है। इस पूरी प्रोसेस को पुनर्स्थापना कहा जाता है, जिसका मैंने ठीक 3 प्रोग्राम पहले जिक्र किया था। और उसके बाद में सारे अंग उसके नए आते हैं और अगली 35 साल की जिंदगी को वो बादशाह की तरह जीता है बेटा। ये जो समय है ना आपका, मैं कई दिनों से आपको ये समझा रहा हूं, ये पुनर्स्थापना का समय है, अपने आप को बहुत ताकतवर शक्तियां अर्जित करने का समय है। जैसे कल मैं कह रहा था पुराने जमाने में है ना, ऐसे तपस्या कर करके लोग शक्तियां लेते थे, आज कलयुग है बेटा, इस कलयुग में भी चमत्कार होते हैं लेकिन अपने आप नहीं, अपने आप नहीं होते, चमत्कार करने पड़ते हैं। मम्मी पापा ताई बुआ नाना नानी है ना, भतीजा भतीजी इधर ही रहने हैं, इधर ही रहने। वियोग बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी, और उस बच्चे के लिए और भी ज्यादा जो कभी घर से बाहर रहा ही नहीं, ननिहाल गया 2 दिन के अंदर रोके वापस आ गया, उसके लिए तो बहुत बुरी होती है।
लेकिन ये जो वियोग है ना बेटा, मम्मी पापा से दूर होना, परिवार से दूर होना, ये एक दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, बहुत बड़ा बदलाव लाएगा बेटा। यू विल बी द किंग आफ्टर सम टाइम। चलो बाद में और बात करते रहेंगे। सारी चीजें मैंने आपको बता दी बेटा, डिसिप्लिन से रहना है, कोई दिक्कत आ रही है बहुत अच्छे से बताना है, कोई पढ़ाई संबंधी दिक्कत आ रही है और कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सॉफ्टली अपनी बात को रखना है, हाँ तो आप उसका सॉल्यूशन होगा, मन लगाना पड़ेगा, नया वातावरण, नई जगह, नए दोस्त, नए टीचर, नया क्लासरूम, नया बोर्ड, नया पेन, नया बैग, नई टी शर्ट, नए जूते, नए मोजे, एवरीथिंग इज न्यू, तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट होता है। नाक बिंदु आते हैं ना, तो जो नाक में बेटियां जो पहनती है वो पहनते ही अच्छा नहीं लगता है, 3 या 4 दिन तक तो बहुत बुरा लगता है ना, ऐसे में हटा दूं उसको, लेकिन धीरे धीरे बेटा वो एडजस्टमेंट हो जाता है। एक बेटी जब घर पे होती है उसका जीवन अलग होता है, ससुराल जाती है जीवन अलग होता है, एडजस्टमेंट कर लेती बेटा। एक बेटी जब ससुराल जाती है तो अपने पुराने सारे घर को, जहां जन्म से लेके बड़ी होने तक सारे अटकेलियां की है, उन सबको छोड़ के एक अनजान घर में रहने चली जाती है, कुछ दिन बाद में एडजस्ट हो जाती है, वो तो हमेशा के लिए जाती है, जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए जाती है। हमें तो साल, 2 साल, 3 साल के लिए यहां भेजा गया है।